कौन है परिवार के मेंबर? ये बेटी बैठी है जी। अंबाला छावनी के चमेली पुल के पास देर रात पूर्व सैनिक सुरेंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक का परिवार के साथ झगड़ा चल रहा था और कुछ साल पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो शराब का अधिक सेवन करने लगा था। इसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी व उसके परिजनों को भी दी, जिस पर मृतक का साला व उसकी बेटी मौके पर पहुंचे। इस मामले की जानकारी देते हुए पड़ोसी ने बताया कि सुरेंद्र रोजाना शराब का सेवन करते थे और काफी दिनों से दिमागी रूप से परेशान भी थे। लगभग 3 साल से सुरेंद्र अकेले ही रह रहे थे। मेरा खुर्शीद अहमद है, मैं ये ऊपर पे रहता हूँ किराए पे, ये भी किराए पे रहते थे। ये थोड़ा कुछ दिनों से जो है ना बहुत परेशान थे, दिमागी टेंशन में थे, फैमिली लग रही थी वो उनकी, मतलब ड्रिंक करने की वजह से। जी जी, तो ये बस अपना यही थोड़ा बहुत कोई काम करते थे, ड्रिंक तो करते ही थे जी रोज़। नहीं साथ में नहीं, 2-2.5 साल से लग रहे थे। बच्चे तो एक ही गुड़िया है जी, लड़का जो है वो 15-20 साल पहले पूरा हो गया था। इस मामले की जानकारी देते हुए अंबाला कैंट सदर थाना प्रभारी नरेश कुमार ने मौके का मुआयना किया और फांसी से नीचे उतार कर उसके शव को सिविल हॉस्पिटल में भेजने को कहा। उन्होंने बताया कि यह 53 साल का पूर्व सैनिक है और इसका नाम सुरेंद्र कुमार है, जो परिवार से झगड़े के कारण अलग रहता था। चमेली पुल के पास यह फौजी किराए के मकान में काफी समय से रह रहा था और उसकी पत्नी भी बीमार चल रही थी, जो अपने मायके में इलाज करवा रही है। SHO का कहना है कि इसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। व्यक्ति हैं, सुरेंद्र नाम के व्यक्ति हैं। अभी सुबह सूचना मिली थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, रस्सी डालकर। मौके पे पहुंचे हैं, मौके पर उनकी बिटिया मिली है, जो प्रारंभिक पूछताछ पे यही बताया गया कि वो थोड़ा शराब वगैरह पीने के आदी थे और फिलहाल यहाँ पर वो अकेले रहते थे। उन्होंने किन्हीं अज्ञात कारणों से सुसाइड कर लिया है। पूछने पर उन्होंने उनकी मृत्यु पर किसी भी प्रकार का पूछा किया सुबह जाहिर नहीं किया, क्योंकि 52-53 साल की जांच जारी है, उसके बारे में जो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।